हाय ऑल, आज फिर से एक नया वीडियो जो कोविड से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा इसमें हम शुगर डायबिटीज़ की बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि कोरोना में जो भी स्टेरॉयड थेरेपी दी जा रही है उससे जो ब्लड शुगर है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, और आजकल जो सडन डेथ है एक जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनका स्टेरॉयड थेरेपी से जो ब्लड शुगर है वो अनकंट्रोल होता है और जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है, जो लोग डायबिटिक नहीं हैं उनका भी स्टेरॉयड थेरेपी से ब्लड शुगर बढ़ने का चांसेस होता है। सो हाइपरग्लाइसीमिया इज़ वेरी कॉमन इन बोथ द केसेस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वेरी सिंपल स्टेप्स जो आपका बहुत कारगर होगा माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले केसेस में। जो सीवियर सिम्टम्स हैं, जिनका सैचुरेशन लो है और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट्स पे हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, जो सपोर्ट जो है सपोर्ट केयर स्टाफ्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। सो हमें पहला क्या करना है, पहले तो अपने ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करना है, जो हम खुद से घर पे कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर्स हैं और SMBT जिसको कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, दैट्स वेरी ईजी और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अभी आपको हर 4 घंटे या 6 घंटे पे अपना ब्लड शुगर चेक करते रहना है। दूसरी बात, जो आपका खाना है उसको थोड़े थोड़े देर करके खाना, जो पोर्शन साइज है उसको इक्वली डिवाइड करना है, और हर 2-3 घंटे 4 घंटे पे आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रूम में ही, अपने अगर आपके रूम से टच बालकोनी है तो आपको थोड़ा सा चलते फिरते रहना है, मास्क का यूज़ करना है फॉर श्योर, बिना मतलब का बेड पे लेट के नहीं रहना है। आप लेट के पे ही चाहे तो, अगर आप बेड पे ही बैठे हुए हैं और लेट के चाहे तो आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कुछ योगा के आसनास कर सकते हैं, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत यूज़फुल है। इसी तरह से आपका जो वॉक है, जो चलना है, एक सिंपल स्टेप रिलैक्स्ड वॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। अपने खाने में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसको प्लीज़ कम करें। सिंपल शुगर्स को तो बिल्कुल बंद कर दें, जैसे शुगर है, जैगरी है, हनी है, इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल से बंद कर दें। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे कि आपके होल सीरियल्स हैं, अनाज हैं, जो आपका सब्जियां हैं, फल हैं, उनका भी एक लिमिटेड वे में यूज़ करें। पोर्शन साइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अपने खाने में प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाएं, फैट पे कंसंट्रेट करें, जो गुड फैट सोर्सेज हैं, जैसे नट्स हैं, देसी घी है, गाय का देसी घी है, और सीड्स हैं, या फिर जो आपका कुकिंग ऑयल है उसको मॉडरेशन में यूज़ करें। और जो सब्जियां हैं, सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, 2-3 सर्विंग पकी हुई सब्जी का ज़रूर लें, साथ में सैलड्स लें। सैलड जब भी लेते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करें, थोड़ा सा नींबू डालें, और ओवर ईटिंग ऑफ लाइक बिस्किट्स, ब्रेड्स, या फिर जंक, जो भी इजी, क्योंकि क्या है ना, जब कोरोना हो रहा है तो घर में भी सारे लोगों को हो रहा है, तो कुकिंग के लिए भी लोग नहीं है, तो हम इजीली ब्रेड या बिस्किट्स पे ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं, इंस्टेंट नूडल्स पे रिलाई करने लगते हैं, तो उन सब से थोड़ा बचें। अगर आपके घर में सारे लोगों को कोरोना हुआ और कुकिंग करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आप हो सकता है किसी पड़ोसी की मदद लें, किसी रिश्तेदार की मदद लें, या फिर आपके जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सोर्सेज हैं उनकी मदद लें। आप ढूंढें कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, जहाँ पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से अपने आप को इतना मॉडिफाई करें कि आपका ब्लड शुगर एटलीस्ट थोड़ा हद तक कंट्रोल हो। आप इसमें कुछ शुगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, शुगर पेशेंट्स के लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। वी हैव 100% वे प्रोटीन विदाउट एनी एडेड शुगर। हमारे पास एलिमेंटल प्रोटीन है जिसमें शुगर नहीं है। हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो कम्प्लीटली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं। आप उनका यूज़ कर सकते हैं फॉर इन बिटवीन स्नैक और फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। मगर आपका जो फाइनल एम है वो है कि अपने ब्लड शुगर को भी किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा अगर आपने नहीं किया। सो हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई एक्चुअली रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव कोरोना, दैट टू फॉर अ डायबिटिक पर्सन, आपके आप घर में कोई भी डायबिटिक पर्सन है जिसको कोरोना हुआ है, तो उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करें, उसके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से सपोर्ट ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ कमेंट करें, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, ट्राई योर लिटिल बेस्ट। थैंक यू।